आज की पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए महाभारत की गाथा से अधिक रोचक और मनोरंजक भला क्या हो सकता है। इस महान कथा का वर्णन किसी धर्म या समाज की भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए बच्चों के लिए सरलता एवं उत्साह के साथ प्रस्तुत करना ही हमारा उद्देश्य है। एक थे राजा पांडु, उनकी थी दो पत्नियां, एक थी कुंती एक थी माद्री। कुंती के तीन पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के दो पुत्र नकुल, सहदेव। पांडु के भाई जो देख नहीं सकते थे धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी। उनके 100 पुत्र, वो थे कौरव और कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन। नदी जगन्नाटकम् नदी जगन्नाटकम् जगन्नाटकम् తెలుసుకొని విలయము విజృంభించునని ధర్మమూలమే మరచిన జగతిని యుగాంతమెదురై ముంచునని సత్యవ్రతునకు సాక్షాత్ కదిల్చి సృష్టి రక్షణకు చేయూతనిచ్చి నావగ త్రోవను చూపిన మత్స్యం కాలగతిని సవరించిన సాక్ష్యం सज्जनों, मेरे लिए यह गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले गदा युद्ध होगा। कौरवों की ओर से राजकुमार दुर्योधन और पांडवों की ओर से राजकुमार भीमसेन। दुर्योधन, भीमसेन, दुर्योधन और भीमसेन की हार जीत का निर्णय कम से कम आज असंभव है। अब मैं पांडव अर्जुन को आमंत्रित करता हूँ। मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि अर्जुन जैसा कुशल धनुर्धारी और कोई नहीं। ये सत्य नहीं है। पहले ये तो बताओ, तुम हो कौन? मैं कर्ण। कर्ण कौन? ये सारथी अधिरथ का पुत्र है। एक साधारण सारथी पुत्र के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। यह अन्याय है। ये मेरा मित्र है। मैं कर्ण को इसी पल अंग देश का राजा बनाता हूँ। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है इसके बदले मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा और अर्जुन से अपने अपमान का बदला। राजा सर झुका के नहीं, सर उठा के जीते हैं। अब तुम्हें इस मुकाबले में भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता। लगता है यह मुकाबला यूं ही बिना किसी निर्णय चलता रहेगा, इसलिए अर्जुन और कर्ण दोनों की बराबर होने की घोषणा की जाती है। चेरिय दलचिन मात कार्यमु मोय जालनि भारमैते कुंद गोरी नदंदले निराशलो अणगारी पोते
అసలుగొట్టే అసహనపు నిట్టూర్పు సెగలకు నీరసించక ఓటమిని ఓడించగలిగిన ఓరిమే కూర్మమన్నది. युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है. पहले हमारा सिंहासन काका पांडु ने पिताजी से और अब उनके पुत्र ने मुझसे छीना है. पितामह और विदुर जैसे पांडु प्रेमियों के होते हुए और किया भी क्या जा सकता था? किया क्यों नहीं जा सकता? जी तो चाहता है कि सारे राज्य को आग लगाकर भस्म कर दूं. भस्म करना ही है तो पांडवों को करो. क्या मामाश्री, फेंकिए कोई ऐसा पासा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे. मामा के भांजे, मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, समझे? అనంత విశ్వం ఆ బ్రహ్మాండపు సూక్ష్మ స్వరూపం ఈ మానుష రూపం కుబ్జాకృతిగా బుద్ధిని భ్రమింపజేసే అల్ప ప్రమాణం ముజ్జగాలను మూడడుగులతో కొలిచే త్రైవిక్రమ విస్తరణం. సానిధ మగసని ధని సజమా మగసని ధని సజమా మగసని ధని సగ మగసని ధని సగమ గ మ గ సని ధ మగ మ ధని సని ధ మగ మ ధని సా ని ధ ని ధని స ధని స ధని స మదని 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 अपनी बहन राजकुमारी द्रौपदी की इच्छा और महाराज द्रुपद की आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि जो भी वीर इस तेल कुंड में मछली की परछाई को देखकर उस मछली की आंख को बाण से निशाना बनाएगा, राजकुमारी द्रौपदी उस वीर को वरमाला पहनाएगी. राजकुमार दुर्योधन. लाक्षाग्रह का निर्माता, पांडवों का मृत्युदाता. जीवन और मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है. अंगराज कर्ण. भैया, इनसे कह दें कि ये स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते, ये सारथी पुत्र हैं. आप आज्ञा दें तो मैं प्रयास कर देखूं. हे ब्राह्मण देवता, यह तुम्हारा नहीं, हम क्षत्रियों का काम है. जो क्षत्रिय न कर सके वो ब्राह्मण कर दिखाएगा. महाराज आज्ञा दें. यह नहीं हो सकता, यह क्षत्रियों का अपमान है. जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है. जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी
वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, है, है। इसे तुम ब्राह्मण समझ रहे हो, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं है? हाँ, वो ब्राह्मण के वेश में क्षत्रिय है। पांडव अर्जुन को जानते हो ना? अर्जुन? परंतु वो सब तो 5 वर्ष पहले ही चलकर मर गए थे। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता, तुम भी नहीं। अर्जुन को मैंने ही कहा था, अर्जुन अवश्य ही जीतेगा। మహిమలు లేక ఏ మాయలు లేక నంబ శక్యము గాని ఏ మర్మము లేక మాతాజీ దేఖియే ఆప్కే లియే క్యా లాయే హై ముజే క్యా దిఖాతే హో హమేషా కి తరహ ఆపస్ మే బాంట్ లో యే ఆప్నే కైసీ ఆగ్యా ది ది యే ద్రౌపది హై ఆప్కీ బహు అర్జున్ నే ఇసే స్వయంవర్ మే జీతా హై ఆప్కీ ఆగ్యా కా పాలన అబ్ హమారా కర్తవ్య హై नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पुत्रों, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं बुआ। शब्द आपके मुंह से वेद वाणी बनकर निकले हैं। अब तुम सबका ये कर्तव्य है कि इसे फिर राजमहल में ले जाओ। अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर जाकर तुम अपना अधिकार मांग लो। जो आज्ञा। इंद्रप्रस्थ के बनते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली और न्याय तथा धर्म का राज्य स्थापित किया। पड़ोसी राजा जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बनाकर जब उनकी बलि चढ़ाने का निर्णय लिया तो भीमसेन ने जरासंध को हराकर सभी राजाओं को आजाद किया और ये सभी राजा पांडवों के पक्ष में हो गए। इस तरह धर्मराज छत्रपति राजा बन गए, अर्थात सारे जग के राजा उनके अधीन हो गए। पांडवों की इस प्रगति और लोकप्रियता से दुर्योधन की छाती पर सांप लौटने लगे। ईर्ष्या की अग्नि उसे दिन रात जलाने लगी। उसके मन की आग उस समय और भी भड़क उठी जब अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की बहन और अपनी प्रेमिका सुभद्रा से बलराम की इच्छा विरुद्ध विवाह किया। बलराम सुभद्रा की शादी अधर्मी दुर्योधन से कराना चाहते थे। सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया और कौरवों का एक और शत्रु तैयार हो गया। जरुगुतुन्नदि जगन्नाटकम् जरुगुतुन्नदि जगन्नाटकम् द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हमारे जंगा पर बिठा दो। दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बिठाने का पापी विचार किया है मैं उसी जंगा को तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। मैं भी यह निश्चय करती हूँ कि अब दुशासन के रक्त से बाल धोकर ही जूड़ा बांधूंगी। दुशासन नहीं, कोई नहीं बचा सकता। वो संकट मोचन आएगा, अवश्य आएगा। हम भी देखते हैं कौन आएगा।
पितामह, पांडव जुए में जो कुछ हारे हैं वो मैं लौटाता हूँ, उनका राज्य भी उनको सौंपता हूँ। द्रौपदी अब दासी नहीं पटरानी है। परंतु वनवास का वचन दिया है धर्मराज ने, उसका क्या? हम क्षत्रिय हैं, अपने शब्दों की लाज अवश्य रखेंगे। मैं भी वनवास भोगूंगी। अर्जुन, अर्जुन तुम विचलित क्यों हो गए? बताओ कुंती कुमार, क्या बात है? मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता मैं। क्यों नहीं लड़ सकते? मेरे बाणों के निशाने पर अपने ही सगे संबंधी होंगे, तो फिर मैं बाण कैसे चला सकता हूँ? ये देव मंदिर नहीं, कर्तव्य का संग्राम है। तुम्हारे पितामह और गुरु द्रोण भले कितने ही अच्छे हैं, परंतु प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बंधन से बंधे हैं, इसीलिए अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। तुम्हें उनका वध करना होगा। अब कायरता मत दिखा, गांडी उठा और बाण चला। जो आज्ञा प्रभु, आप अपना शंख बजाइए, मैं युद्ध करने को तैयार हूं। एक बेकारण बनकर कुछ मांगने आई हूँ। एक सूत पुत्र शत्रानी को क्या दे सकता है? जीवन दान। मेरे पांचों पुत्रों का जीवन तुम्हारे हाथों में है। अच्छा, अब युद्ध भूमि पर पांडवों के प्राण मेरे अचूक बाणों की कृपा पर निर्भर है। उन्हें मत मारो, वो तुम्हारे शत्रु नहीं है। पांडव तुम्हारे भाई हैं। कृष्ण ने तुम्हें नहीं बताया? बताया कि तुमने ही मुझे जन्म दिया और जन्म देते ही नदी में बहा दिया। मेरे पुत्र तुम्हारे भाई भी तो हैं। तुमने तो मुझे त्याग कर अपनी झोली खाली कर दी थी, पर मैं तुम्हारी झोली खाली नहीं रखूंगा। अर्जुन के पिता इंद्रदेव, अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मुझसे मेरा कवच और कुंडल मांग कर लेते हैं। तो केवल अपने पांचों पुत्रों के प्राण मांगती हूँ। देवी, तुम अपने पांच पुत्रों को जीवित देखना चाहती हो ना? तो जाओ, तुम्हारे पांच पुत्र बने रहेंगे। मैं युद्ध में अर्जुन के सिवा किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। विश्वरूपमुगा।
శిష్యుడవనీ వైతే నీ యాతి కడదేర్చు ఆచార్యుడవనీవే వందే కృష్ణం జగద్గురుం వందే కృష్ణం జగద్గురుం కృష్ణం వందే జగద్గురుం కృష్ణం వందే జగద్గురుం వందే కృష్ణం జగద్గురుం వందే కృష్ణం జగద్గురుం కృష్ణం వందే జగద్గురుం కృష్ణం వందే జగద్గురుం కృష్ణం వందే జగద్గురుం आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं वीरता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मर है, 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 मर है।